बिना कब्जा किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me, Nabeel Shahad, and you are watching Nabeel Verse. अभी तक Nabeel Verse को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस पत्थर के नीचे रह रहे हो मुझे बता दो। कर लो भाई, इतना तड़ातड़ काम कर रहा हूँ, हर चीज पे वीडियो आ रही है, और क्या करूँ, जान दे दूँ, बच्चे की जान लोगे अब क्या। अभी हम देखने वाले हैं कब्जा मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर हिंदी में। इसके टीजर पे हमने रिएक्शन किया, वो चैनल पे पड़ा होगा, तो पहले ये देखते हैं फिर उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स फर्दर अडू माइट रियली जंप इनटू द वीडियो। टीजर वैसे काफी अच्छा लगा था मुझे। One bloody Indian to kill another bloody Indian. Pentagon hai kya? गुणगान कभी भी कटे हुए सर से ज्यादा उसे काटने वाले हाथों का होता है, और ऐसे हाथों से रचा हुआ इतिहास ही है कब्जा। संग्राम नगर के इतिहास में जैसे हमारे पिता का नाम उल्लेखनीय था, उसी तरह भारतीय इतिहास के पन्नों में मेरे भाई का नाम हमेशा रहना चाहिए। मुस्लिम सारे भाई कौन है? पीकी ब्लाइंडर का हीरो तो नहीं, सॉरी विलन। साम्राज्य की स्थापना तलवार से नहीं बल्कि उसे पकड़ने वाले मजबूत हाथों से होती है। Play me. I will play the game. If you want to kill me, I will end the game. मार्च यार, जब से मैंने डिसाइड किया कि 17 मार्च को एक दो जगह पे जाना है, उस दिन से हर मूवी 17 मार्च को ही रिलीज होनी है। अच्छा खैर, थोड़ी सी मूवी के ऊपर बात कर लेते हैं। यार मूवी के ऊपर ना बहुत सारी छाप देखने को मिल रही है KGF की, लेकिन इसमें एक चीज मैं बोलूंगा कि CGI में लैग कर रही है मूवी। CGI में लैग कैसे कर रही है कि जो 3D मॉडल्स है ना, जो बिल्डिंग्स है, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, जैसे कि आप देख रहे हो ना, बहुत ही शार्प है। अब एक्चुअल लाइफ में ना बिल्डिंग्स इतनी शार्प नहीं होती, तो वहां CGI थोड़ा सा लैग कर रहा है, क्योंकि ओरिजिनल में ना कभी भी चीज इतनी नीट एंड क्लीन नहीं होती, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, चांद के ऊपर भी दाग होता है। तो यहाँ पे एक मार खा रही है जो मुझे चीज बुरी लगी। उसके बाद जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, करेक्टर ओरिएंटेड मूवी है ये। यार देखो, एक ही चीज ना साउथ सिनेमा ने सीखी है, करेक्टर ओरिएंटेड फिल्म बनाना। अब जो हॉलीवुड की फिल्में होती है ना, उनमें मैटर नहीं करता है कि कोई गोरा प्ले कर रहा है, कोई काला प्ले कर रहा है, कोई एशियन प्ले कर रहा है, डिपेंड करता है कि उसका करेक्टर क्या है, और एक मैसिव यूनिवर्स में स्टैंड करनी चाहिए वो फिल्म। हर बंदा अपनी फिल्म का एक हीरो होता है, हीरोज जर्नी जिसको बोलते हैं। तो ये वो फिल्म है कि इतने सारे करेक्टर हैं। ऑब्वियसली जब से KGF आई है, तब से मुझे KGF भी मुझे सिर्फ सबसे पहले इसीलिए अच्छी लगी थी
क्योंकि उसमें बहुत सारे करेक्टर थे और वो करेक्टर्स जो थे ना उन सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी चल रही थी, कोई कहीं का डॉन है, कोई कहीं का डॉन है, इस तरह एक मल्टीवर्स, इस तरह एक ग्रैंड स्केल पे आपको एक वर्ल्ड देखने को मिल रहा है और ये भी वो वर्ल्ड बिल्डिंग कर रही है और कास्ट बहुत बड़ी है इसकी और काफी सारे करेक्टर, लेकिन थोड़ी सीजीआई में लैग कर रही है मूवी। और बाकी ओवरऑल मूवी मुझे अच्छी लग रही है, बहुत हद तक केजीएफ की वाइब भी दे रही है, लेकिन वो मॉडल्स बहुत क्रिस्टल क्लियर है, वो उस वजह से देख रहे हो ना आप, जो भी मॉडल्स के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर टाइप आ रही है वाइब। कलर ग्रेडिंग भी थोड़ी सी ज्यादा डार्क की हुई है, ये एक ही टोन पे आजकल फिल्में आने लग गई है साउथ की तरफ से। और बाकी ओवरऑल ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है, 17 मार्च को आ रही है, कितनी फिल्में देखूंगा 17 मार्च को मैं, 17 मार्च को तो एक भी फिल्म नहीं देख पाऊंगा मुझे लग रहा है। अब ये 17 मार्च वाली सारी फिल्में आपको एक हफ्ता लेट ही आएंगे इनके रिव्यू। तो खैर अगर फिर भी आप इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो पहले तो कमेंट्स में बताओ और अपनी थोड़ी सी एंगेजमेंट बढ़ा दो चैनल की भाई के। और